हेलो एवरीवन, दिस वन दीपक पाटोंदिया अगेन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। सो रियल एस्टेट कंसल्टेंट का केवल एक ही काम नहीं होता है कि आपको प्रॉपर्टी बताए, उसे ट्रांजेक्ट करवाए और उसके बेनिफिट्स बताए। रियल एस्टेट कंसल्टेंट का एक और काम होता है आपको अपडेशन देना। सो आज का जो अपडेशन है वो है एयर टैक्सी का। सेंट्रल दिल्ली विच इज सीपी दिल्ली कैन नॉट प्लेस दिल्ली से गुड़गांव के लिए एयर टैक्सी सर्विसेज शुरू होने वाली है। जब आप अपने चेक पे ईयर 2026 मतलब 2026 लिख रहे होंगे तब ये सर्विसेज ऑपरेशनल हो चुकी होगी, इसके सारे अप्रूवल्स आ चुके होंगे। सो होती क्या है एयर टैक्सी, पहले उस पर छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो टैक्सी सर्विसेज हैं ये 5 सीटर टैक्सी सर्विसेज होने वाली हैं, जिसमें एक पायलट रहने वाला है और 4 पैसेंजर रहने वाले हैं। अभी जो आप ट्रेवल कवर करते हैं वो ओला या उबर से कवर करते हैं, जिसमें आपको 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पड़ता है। यहाँ पे आपको जो फेयर पे करना पड़ता है वो लगभग 1000 रुपये का आपको फेयर पे करना पड़ता है। अब जो ट्रेवल है आप ये एयर टैक्सी से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये डिस्टेंस केवल 7 मिनट्स में कवर हो जाएगा और आपको जो फेयर डिफरेंस पड़ेगा वो केवल 1 से 2 हज़ार का पड़ेगा। मतलब इसका जो टोटल फेयर होगा वो 2 से 3 हज़ार रुपये ही होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। एयर टैक्सी प्रोवाइड करने के लिए 2 कंपनियों के बीच में JV हुआ है। पहला है इंटर ग्लोब एविएशन, दूसरा है आर्चर एविएशन। सो इंटर ग्लोब एविएशन इंडिया बेस्ड कंपनी है, आर्चर एविएशन बाहर की कंपनी है। आर्चर एविएशन के जो ओनर हैं वो है एडम गोल्डस्टीन। इंटर ग्लोब के जो ओनर हैं वो है राहुल भाटिया। अब हम राहुल भाटिया पे बात कर लेते हैं क्योंकि वो इंडिया बेस्ड हैं। राहुल भाटिया इज होटल इंडस्ट्री किंग। इनके पास में इंडिया में लगभग 21 होटल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके पास में 13 होटल और हैं। तो इनको रियल एस्टेट का प्लस सर्विसेज का डीप नॉलेज है। राहुल भाटिया की रिचेस्ट लिस्ट में जो नाम आता है वो इंडिया में आता है 39 नंबर पे। एज अ बिलियनियर जो उनका नाम आता है वो आता है 579 नंबर पे। अगर मैं बात करूं तो ये सर्विस किस स्टेज पे है तो मैं आपको बता देता हूं, ये सर्विस अभी अप्रूवल बेस पे है। अगले साल इसमें अप्रूवल आ सकते हैं, DGCA से इसे अप्रूवल ले रहे हैं और लोकल बॉडी से ये अभी टच में है लैंड एक्विजिशन के काम के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हेली हब के लिए जो लैंड सर्वे चल रहा है वो सेक्टर 37C और 37D के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो अप्रूवल होगा वो इसके आसपास ही होगा। सो अब मैं आता हूँ आपके काम की बात पे, बट उसके पहले एक रिलेवेंसी क्रिएट कर देता हूँ कि ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही स्ट्रेटेजिकल क्यों सूट करता है। सो द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको पता है ग्लोबल सिटी वहाँ पे सिचुएटेड है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे साइबर सिटी सिचुएटेड है। द्वारका एक्सप्रेस वे पे लगभग 3 सेक्टर हैं जो कोर कॉमर्शियल के साथ आते हैं, कॉमर्शियल बेल्ट अलग से है। सो जब इतनी सारी सर्विस इंडस्ट्रीज वहाँ पे बैठी हुई हैं, उनके जो CEO और CFO हैं वो इस सर्विसेज को लेंगे, जिससे यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और जब सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज करेंगे, उनके रेंटल इंक्रीज करेंगे। सो ये सारी चीजें बताने का मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से कैसे देख सकते हैं। ये एक बहुत छोटा पॉइंट है जो गुड़गांव में रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए काम आएगा। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जैसे सोहना की तरफ पॉट टैक्सी जाने वाली है, IMT सोहना डेवलप होने वाला है, मेट्रो का काम शुरू हो गया है, KMP की पेरिफेरी में आपको रेलवे लाइन बनती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें गुड़गांव में जॉब क्रिएशन को बढ़ाएगी, विच इज सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइस इंक्रीज होंगे। इस प्रोजेक्ट का जो कोर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बेल्ट और SPR की बेल्ट पे पड़ने वाला है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो न्यू प्रोजेक्ट आए हैं या SPR पे जो न्यू प्रोजेक्ट आए हैं उन पे आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। जिनने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया है उनका अप्रिसिएशन बहुत अच्छा आने वाला है। जिनने नहीं किया है तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, उन पे हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और हम आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को इजी और सक्सेसफुल वे में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचाऊँ। सो प्लीज़ मेरे एफर्ट को थोड़ा रिकॉग्नाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। Thank you very much.